प्रणाम, मैं सत्या, आप देखने सत्यावरी चैनल। वेलकम टू सत्यावरी चैनल। आज की खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे सलमान खान की अगली पिक्चर है राधे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए अपने ट्विटर अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ये कहा जैसे पिक्चर रिलीज़ होने वाली है 13 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, और ईद पर रिलीज़ होगी, जिसके चलते उनके फैंस भी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं इसकी रिलीज़ डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और पिक्चर कैसा होगा उनके फैंस भी काफ़ी चाह में बैठे हैं कि कैसा होगा इस पिक्चर, बिल्कुल जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होगा कि नहीं। अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे एक्टर्स, एक सपोर्टिंग एक्टर और वह आशीष विद्यार्थी फिलहाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और खुद को आइसोलेट कर लिए हैं। दरअसल हमारे ये एक्टर जो है साउथ इंडियन मूवीज़ में सपोर्टिंग एक्टर्स के दौर में नज़र आते हैं और काफ़ी अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हैं। अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यह है कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अगली पिक्चर ट्रिपल आर जो साउथ इंडियन मूवी है उसे पैन इंडियन मूवी निकाला जाएगा, जिसे तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, जिसके चलते इस पिक्चर में उनका फर्स्ट लुक पोस्टर है 15 मार्च को रिलीज़ किया जाएगा। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया हैंडल में ट्रिपल आर मूवी प्रोडक्शन ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए हैं। पिक्चर है दीदार द वॉरियर क्वीन ऑफ जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते अब इस पर केस फाइल कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि उन्होंने एक बुक का स्टोरी जो उन्होंने कॉपी किया है, जिसके चलते वो बुक के ऑथर ने उन पर केस फाइल कर दिया है, जिसके चलते मुंबई के कोर्ट ने उन पर केस फाइल करने का आदेश दिया है। अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे वॉर मूवी, जी हाँ दोस्तों, दरअसल वॉर पार्ट 1 में जिसमें आपको ऋतिक रोशन और हमारे टाइगर श्रॉफ दिखाई दिए थे, जिसके चलते अभी आपको दिखाई देंगे इसमें प्रभास। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में इस तरह सूत्रों की माने तो पार्ट 2 में आपको प्रभास विलन का रोल करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यह है पिक्चर जो है जो अमेजॉन प्राइम 21 मई को रिलीज़ होने लगी है और पिक्चर का नाम है तूफान। इस पिक्चर का टीजर रिलीज़ हुआ, जिसके चलते उनके फैंस काफ़ी पसंद करने लगे। सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स लगे शाहरुख खान, सलमान खान और यहाँ तक कि ऋतिक रोशन भी अपनी मन की बात रखे हैं और उन्हें काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं बॉलीवुड से रिलेटेड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।